नेता जो है बयान देता है उससे ज़्यादा जो मीडिया है उसमें तड़का लगा के उसको पेश करता है, ये दोनों जब मिक्स हो जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आ जाता है। और जो जिस तरह से पत्रकार यहाँ घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पत्रकार यहाँ पर इस तरह से कवरेज नहीं कर पाएंगे, इनको पब्लिक जनता मारेगी और भगाएगी और तोड़ मरोड़ के। अब जैसे आप वीडियो बना रहे हैं इसको एडिट करके, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें मेरी आप एडिट करेंगे, हाँ कोई कट नहीं होगा, अच्छा तो एडिट करके दिखाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद मुसलमान ऐसे ही होते हैं। उन भक्तों को हो रही है जो मोदी जी के भक्त हैं, और ख़ास तौर से उस मीडिया चैनल को हो रही है जो 100-100 करोड़ रुपए लेकर, 200 करोड़ रुपए लेकर एक पैकेज लेकर मोदी की खबर चलाता है। तो ये उस मीडिया चैनलों को, उन भक्तों के लिए खुशी का मकाम है कि शाहीन बाग जैसे पढ़े लिखे मजबूत एरिए को ये टारगेट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना आसानी से कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो उन करप्ट और भ्रष्ट अधिकारियों को बुलाया जाए जिन्होंने यहाँ पर बिल्डिंगें बनवाई है, पैसा लेकर लिंटर डलवाया है। बिना लिंटर के एक पैड़ी और एक ईंट, बिना पैसों के आप एक ईंट और एक पैड़ी नहीं बना सकते यहाँ पर। तो वो चला गया ना, बिना चला गया। वो चला गया, लेकिन मीडिया जो इस तरह से दिखाएगी जैसे पूरा शाहीन बाग बर्बाद कर दिया हो, मीडिया तो इसी तरह से दिखाएगी कि जैसे शाहीन बाग में क्या से पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया दिखाता है जैसे, हाँ जैसे सोशल, हाँ तो वो मीडिया वाले यही कर रहे हैं, और जितने चैनल हैं ये मोदी जी के अपने चैनल हैं तो वो उन्हीं की बात करेंगे, हमारी बात थोड़ी करेंगे। कौन से चैनल हैं भाई? ABP न्यूज़ है, आज तक है, जी न्यूज़ है, R9 भारत है, नव भारत टाइम्स है, रिपब्लिक भारत है, ये सब मोदी जी के चैनल हैं। क्या दिखाते हैं सर, क्या माहौल बिगाड़ रहे हैं? दिखा 7 सालों में जितना माहौल बिगाड़ दिया है, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को जितना नुकसान इन चैनलों ने पहुंचाया है, मैं समझता हूं इतना भारतीय जनता पार्टी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्टी से ज़्यादा खतरनाक मीडिया, ये कहना चाह रहे हैं? पार्टी से ज़्यादा खतरनाक, पार्टी तो एक काम कर रही है, मैं बहुत से काम योगी जी के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मीडिया जो सबसे ज़्यादा जहर बो रहा है, एक न एक दिन मीडिया को इस जहर को, ये जो बोया हुआ बीज है इसको काटना पड़ेगा, ये मीडिया भुगतेगा। और ये जो जिस तरह से पत्रकार यहाँ घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पत्रकार यहाँ पर इस तरह से कवरेज नहीं कर पाएंगे, इनको पब्लिक जनता मारेगी और भगाएगी। मीडिया जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक मीडिया है। मीडिया ही दिखा रहा है सर आपकी आवाज़, यहाँ पे कार्रवाई, यहाँ पे इंक्रोचमेंट। जो बड़े, मैं कहता रहा हूँ जो पैकेज लेके खबरें चलाते हैं, आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, ये तो बाकी जो यूट्यूब वाले लोग हैं जो अपना चैनल मेहनत करके चला रहे हैं वो सही रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी आई थी यहाँ पे अंजना जी भी, तो अंजना जी को मोदी जी ने कॉल किया होगा, और अभी देखा आपने बाहर एक मुल्क में मोदी जी गए हुए थे तो किस तरह से मीडिया से कह रहे हैं अरे आप यहाँ कैसे रह गए। उनको इतना अफसोस था कि मेरी कुछ चीज़, मेरे जो भक्त लोग जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे वो देख नहीं पाए, तो इसलिए मीडिया बड़ा था उस वीडियो में। हाँ मोदी जी कह रहे हैं ना, आपने देखा होगा वायरल हो रहा है वीडियो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो नशे वाला वीडियो था, लेकिन वो फेक वीडियो। नशे वाला मतलब मोदी जी नशा करते हैं क्या जी? वो थे ऐसे हालत में, लेकिन बाद में पता चला, ऐसा कह रहे हैं लोग कि वो फेक वीडियो था। तो हो सकता है भाई, बड़े दूसरे मुल्कों में जो वो बार में गए हों या वहाँ से आ रहे हों, क्लब से आ रहे हों, उन्हें नशा करके आ रहे हों, हो सकता है वो नशे में हो, लेकिन वो वीडियो साफ देखा जा रहा है कि बड़े बड़े चैनल जो मैंने बताया, पैकेज वाले चैनल जो हैं, जो खरीदे हुए हैं, जो अपने चैनल हैं, जिसको अंबानी जी फाइनेंस करते हैं, वो चैनल दिखा रहे हैं उनकी खबरें। देश के माहौल को लेके क्या कहना चाहेंगे सर? जो आजकल ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, जितने ज़्यादा शाहीन बाग में मेहनत होगी, मुसलमानों पर बदनाम किया जाएगा, उतने ज़्यादा लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदे के लिए हो रहा है। एक ईंट तक नहीं तोड़ी बिल्डोज़र ने यहाँ, लेकिन मीडिया इसको ऐसा दिखाएगा जैसे पूरा बिल्डिंग, पूरा शाहीन बाग तोड़ दिया गया हो। क्यों, मुसलमानों को बदनाम करके ही चुनाव जीतेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ये चैनल जो काम कर रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करके उनका वोट बढ़ाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को इस तरह से दिखाते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है या मुसलमान देश विरोधी है, राष्ट्रभक्त देशभक्त नहीं है, और फिर पब्लिक के सामने पेश करते हैं और तोड़ मरोड़ के। अब जैसे आप वीडियो बना रहे हैं इसको एडिट करके, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें मेरी आप एडिट करेंगे, हाँ कोई कट नहीं होगा, अच्छा तो एडिट करके दिखाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद मुसलमान ऐसे ही होते हैं। नहीं, लेकिन तो सरकार तो काम करती है ना सर, सरकार तो देखती है ना कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। सरकार अगर दोषी और निर्दोषी को देख, कोर्ट है, न्यायालय है, ये सब देखने के लिए संविधान, कोर्ट न्यायालय, कोर्ट न्यायालय बहुत पहले तक ठीक था, लेकिन 2014 के बाद से जो कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं अपने ऊपर, कि
कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने फैसले कोर्ट दे रही है उस ज़्यादातर सरकार के फेवर में फैसले दे रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि अब जो हम संविधान पे भरोसा होता था, ये लोग संविधान को खुद नहीं मानते हैं। तो कौन नहीं मानता सर, कैसे नहीं मानता? जो सत्ता पक्ष के लोग हैं आज के दौर में, जो भारतीय जनता पार्टी हम पूरे देश की बड़ी पार्टी बनी हुई है, ये खुद संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को मानते तो मुसलमानों को अपना भाई बना के रखते, लेकिन वो समझते हैं कि हम अपना संविधान लागू करेंगे, इसको इस देश को मतलब जो है आप लोग समझते हैं बाकी कौम को भाई? हम भी समझते हैं, हमारे यहाँ बताइए क्या समझना है। आपका नाम क्या है? राशिद है। हमारे यहाँ कितने हिंदू दोस्त हैं कि हमने तो आज तक कभी ऐसा भेदभाव किया नहीं है, तो हम अच्छी तरह दूसरों का दर्द जानते हैं और समझते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी सियासत के चक्कर में इतना नुकसान किया है, जिसका खामियाजा बहुत जल्द भुगतना होगा। जनता भुगतेगी या सरकार भुगतेगी? लेकिन तमाम बीजेपी के नेता हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं और जनता को भड़काते हैं, इसीलिए भाईचारा कायम नहीं होता? इसमें नेता जो है बयान देता है, उससे ज़्यादा जो मीडिया है उसमें तड़का लगा के उसको पेश करता है। ये दोनों जब मिक्स हो जाता है फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आ जाता है। और मीडिया ही लोगों की आवाज़ उठाती है, मीडिया ही लोगों के हक की आज तक आवाज़ उठाता? क्यों नहीं रिपब्लिक भारत आवाज़ उठाता? एबीपी न्यूज़ क्यों नहीं आवाज़ उठाता? कौन आवाज़ उठा रहा है? अगर आवाज़ उठती तो सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, नौकरियां नहीं है, पेट्रोल महंगा है, सीएनजी, लोग समझते थे कि पेट्रोल अगर सीएनजी गाड़ी चलाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, सीएनजी भी 73-75 रुपए हो गई है, जो 42 रुपए थी पिछले साल। तो ये कौन, मीडिया ने कभी सीएनजी को दिखाया या वहाँ जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की या वहाँ पर जमावड़ा लगा पत्रकारों का? नहीं लगा। तो इससे साफ जाहिर है कि बस सरकार जो कर रही है वो ठीक है। पेट्रोल पर जब जब पैसे बढ़ते हैं दिखाती है, वैसे मीडिया पेट्रोल पर 2 रुपये बढ़ते हैं तो उसको कम दिखाया जाता है, लेकिन जब 2 रुपये में से 25 पैसे घटते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। ये बीजेपी की सरकार के नेता थे, जब सिलेंडर पे मात्र कुछ रकमें बढ़ती थी, पेट्रोल पे बढ़ते थे तो नेता सड़कों पे बैठ जाते थे, आज नहीं दिखता कोई, क्या कहना? देखिए, इस देश में या जो भी इंसान गरीबों की आवाज़ उठाएगा वो धीरे धीरे गरीबों की आवाज़ उठाते उठाते अमीर हो जाता है, आपने देखा होगा। तो जिस तरह से इन्होंने सिलेंडर की आवाज़ उठाई, अब वो आवाज़ उठाने के बाद खुद अमीर हो गए हैं। स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ तोड़ी थी दिल्ली की सड़कों पे महंगाई बढ़ने पे, और आज वो नहीं। आज वो चूड़ियाँ पहनेंगी, डबल चूड़ियाँ पहनेंगी, क्योंकि जो जिस मकसद पे उन्होंने काम किया था वो कामयाब हो गई। उस टाइम उन्होंने नाटक करके दिखाया, अब वो डबल रेट हो गए तो उनको फ़ायदा हो रहा है जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ यहाँ शाहीनबाग के लोग जो यहाँ प्रदर्शन में सुबह से मौजूद हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे बिल्डोजर सिर्फ आया था अपनी पूर्ति करने के लिए, लेकिन कार्रवाई कोई भी नहीं है, तोड़फोड़ कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं। कैमरामैन मुकेश के साथ राशिद अली।